ये देखिए डेस्कटॉप पे फोल्डर आया बाय मूनलाइट के नाम से जो हमने डाउनलोड किया था, इसको ओपन किया। इसमें इन्होंने तीन फाइलें दी हैं, दो रीडमी की इनकी टेक्स्ट फाइल है कि कैसे लगाया जाए, और एक है एक्सएमएल फाइल है, असल टेम्पलेट आपकी इसके अंदर है। तो आपने इसको अपलोड करना है, वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। अपने टेम्पलेट के उस हिस्से में आए जहां से आपने पोस्टिंग की थी। इसमें देखें जी आपको नजर आ रहा है लेआउट, लेआउट का बटन है, इस पर आपने क्लिक किया। अच्छा, के अंदर ऑप्शन है HTL की, क्लिक कर ये देखें यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि बैकअप रीस्टोर टेम्पलेट की, आप अपने में आने के बाद टेम्पलेट भी यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। फिर बैकअप नहीं बनाना, नई टेम्पलेट को रीस्टोर करना है। ये ब्राउज का बटन है, ब्राउज करके इसको बताना है कि हमारी टेम्पलेट पड़ी कहाँ है जो हमने डाउनलोड की है। यहाँ से हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, डेस्कटॉप के ऊपर बाई मूनलाइट का फोल्डर है, सेलेक्ट ओपन। ओपन करने के बाद अपलोड का बटन हमने दबा दिया, ये अपलोड का बटन। टेम्पलेट हो के इसको एंटर करते हैं, आपका प्रोग्राम बदल जाए या कोई ऐसी चीज हो आपको ना अच्छी लग रही हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने इसे करना है इसलिए हम इसे कंफर्म एंड सेव पे क्लिक करेंगे। ये एडिट HTML के बाद हमने यहाँ से ब्राउज किया, ब्राउज के बाद हमने उसे जगह बताई कि टेम्पलेट हमारी कहाँ पड़ी है, वहां से सिलेक्ट करके हमने अपलोड किया, अपलोड होकर इस मेन्यू में आ गई। यहाँ पे अब हम इसे कंफर्म एंड सेव के बटन को क्लिक करेंगे।